हेलो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है मैथ्सलोजिया यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका ट्रिकी मैथ्स। आज हम आपको तीन ट्रिक ऐसी देने वाले हैं जिसके बेस पर आप क्वेश्चंस का हलवा बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की ट्रिक के बारे में, देख लेते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिक बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब आपको दिया गया हो इवेन नंबर और आपको पता हो कि इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो देखिए इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकते हैं। देखिए ये ट्रिक जो काम करेगी इस नंबर के फैक्टर के ऊपर काम करेगी, यानी कि ये नंबर इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि n प्लस 1 की फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि इस नंबर के जो फैक्टर होंगे वो इस फॉर्मेट में हों तो ही ये ट्रिक काम करेगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जब आपके पास प्लस का नंबर है, क्या है, प्लस का नंबर है, और 6 के जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, 2 और 3, तो 3 इज द राइट आंसर। क्या करना है आपको, 3 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको सेकंड में आपको आंसर बता देना है कि इसका जो आंसर होने वाला है वो 3 रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को देख लें, इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो 4 और 5 होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, 4 और 5। तो यहां पर देखिए आपका माइनस है तो आपका 4, इसका जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। तो आपको करना ये है कि n n प्लस 1 की फॉर्मेट में इस जो इसके फैक्टर है उन्हें रख लेना है। अगर माइनस का सिंबल है तो माइनस तो n से बिलोंग करेगा, यानी कि n इज द राइट आंसर, और अगर प्लस करता है तो प्लस वाले में आपका आगे वाला आंसर रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन थर्ड ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए आपको ये एक सिंपल वैल्यू दे रखी है, यानी कि रूट दे रखा है, रूट थ्री। जब भी आपको मल्टीपल में कोई वैल्यू मिले, क्या मिले, मल्टीपल में कोई वैल्यू मिले आपको इस तरीके से, तो 3 इज राइट आंसर। क्या आएगा, 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का हलवा बना सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, आपको और भी कोई क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिया, यहाँ पर 5, ठीक है, 5 root 5, 5 root 5, इस तरीके से लिया मैंने ये, और अगर मैं देख पाऊँ तो इसका जो आंसर रहेगा वो 5 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस का हलवा बना सकते हैं। तो ये थे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक फॉर मैथमेटिक्स। तो आप यहाँ से हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियो देख सकते हैं और एकेडमिक सेशन आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मिलेगा। तो इसी प्रकार की ट्रिक और भी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।